हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना खुद का टूल बना सकते हैं ग्रेडियंट कलर पिकर इस मेथड के जरिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इस टूल को बनाने के बहुत सारे बेनिफिट है। पहली चीज तो ये कि ये टूल कई लोगों के काम आता है। अब वो लोग आपको फाइंड आउट कैसे करेंगे, सो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। आप ब्लॉगर के ऊपर अपनी वेबसाइट बना के अगर इस टूल को अपलोड कर देते हो उस वेबसाइट पे, तो आप बहुत अच्छा पैसा जो है एडसेंस के जरिए, एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए जनरेट कर सकते हो। बेसिकली आप चाहे तो अपनी एक मल्टीपल टूल की वेबसाइट बना सकते हो, जहां पे एक ही वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल टूल भी आप अपलोड कर सकते हो, जिनमें ग्रेडियंट कलर पिकर टूल भी हो सकता है, राइट। तो बेसिकली टूल के फायदे बहुत सारे हैं। आप गूगल करोगे ग्रेडियंट कलर पिकर टूल तो आपको मिल जाएंगे वैसे टूल, लेकिन आप ऐसा अपना खुद का टूल भी बना सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि बेसिकली जो लोग नॉर्मल कोडिंग सेगमेंट से बिलोंग नहीं करते, जिन्हें कंप्यूटर का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है, उनके लिए टूल बनाना तो छोड़िए, टूल यूज करना भी बहुत बड़ी बात रहती है। ऐसे में अगर आप एक टूल बिल्ड कर लेते हो तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। इस मेथड के जरिए अगर आप टूल बनाते हो तो ये ऑफ कोर्स आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। इसको आप फ्री में मार्केटिंग करके जो है ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हो। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ट्रैफिक आएगा कैसे। चलिए हम टूल बना लेंगे इस वीडियो को पूरा देख के, लेकिन उस पर ट्रैफिक कहां से लाएंगे। तो ट्रैफिक का एक बहुत सिंपल सा मेथड है जो मैं खुद भी यूज करता हूँ एंड दूसरों को भी, यानी कि यूट्यूब पे भी शेयर करता हूँ। एकदम सिंपल मेथड है। बेसिकली आपको जो है अपनी निच के अकॉर्डिंग फेसबुक ग्रुप्स फाइंड आउट करने हैं, जिनमें हजारों लोग होने चाहिए। क्योंकि देखिए, हजारों लोग जब ग्रुप में होंगे तो उनमें से 5, 10, 15, 20 लोग ही उस पर क्लिक करके विजिट करने वाले हैं। जब हम हजारों लोगों के एक ग्रुप में लिंक भेजेंगे तो उसमें से कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं आने वाले, लेकिन एक इनिशियल बूस्ट आपको मिल सकता है। उसमें से अगर 10-15 लोग भी आ गए ना, तो आपके ब्लॉग को एक इनिशियल बूस्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपको कहीं से ट्रैफिक लाने की जरूरत नहीं रहेगी, राइट। आपका ब्लॉग खुद ब खुद ट्रैफिक जो है लाने लगेगा, लोग उस पर विजिट करने लगेंगे। बाद में आपको कहीं भी लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं और टूल को बनाते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम ये जो टूल बनाने वाले हैं, ये ब्लॉगर के ऊपर बनाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, गूगल के ऊपर आपको ब्लॉगर लिखना है। जैसे ही आप ब्लॉगर लिखेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। आप चाहे तो वर्डप्रेस में भी बना सकते हैं। वर्डप्रेस पे अगर आप बनाते हैं तो और ज्यादा प्रोफेशनल टूल जो है आपका बनेगा, और वेबसाइट का लुक भी आपका जो है काफी प्रोफेशनल दिखेगा। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो लोग एकदम नए हैं इस फील्ड में, जिन्हें ब्लॉगिंग के बारे में कुछ बहुत ज्यादा समझ नहीं है, वो लोग बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट ही ट्राई करिए। हो सकता है उनका इंटरेस्ट आगे इसमें रहे ना रहे, तो पहले पैसा खर्च क्यों करना जब हम किसी चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट करके देखिए, इसको थोड़ा सा शेयर करिए लोगों के साथ, देखते हैं ट्रैफिक आता है। उसके बाद आप जो है बेटर वे में समझ पाओगे कि आपको प्रीमियम की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, राइट। पहली चीज तो ये, इसलिए जब भी शुरुआत करें तो शुरुआत हमेशा इस फ्री प्लेटफॉर्म से ही करनी चाहिए, और इसको भी बहुत ज्यादा हल्के में मत लीजिए आप। ये गूगल का प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब भी गूगल का प्लेटफॉर्म है। तो एक टाइम YouTube भी काफी कम चलता था, बट आज आप देखिए किस लेवल पे चल रहा है। इसी तरह ये प्लेटफॉर्म भी हो सकता है कि आगे चल के जो है बड़ी इंप्रूवमेंट अपने अंदर करे। सो बेसिकली यहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। आपके सामने आपकी टोटल जीमेल आईडी, जो भी आपके सिस्टम में लॉगिन होगी, वो सामने आ जाएगी, एंड वो सारी की सारी जीमेल आपके सामने आती है। उसके बाद जो है आपको किसी एक पे क्लिक करना है। आप जिस पे भी क्लिक करते हो, उसके बाद जो है वो जीमेल आपकी लॉगिन हो जाएगी एंड आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब यहां पे देखिए, जो टूल हम बनाने वाले हैं, उस टूल का नेम है ग्रेडियंट कलर पिकर। सो चलिए यही नेम हम इस पर्टिकुलर ब्लॉग के टाइटल के लिए सिलेक्ट करते हैं।
यहाँ पे आपको टाइटल रखना है जो कि यहाँ पे टॉप पे आपके ब्लॉग के ऊपर शो होने वाला है, और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। सो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप देखिए चूज ए यूआरएल फॉर योर ब्लॉग, यहाँ पे आप देखिए आपको अपने ब्लॉग के लिए एक यूआरएल सेलेक्ट करना है या क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट कलर पिकर सेलेक्ट कर चुका हूं जो कि अवेलेबल नहीं मिल रहा है। ग्रेडियंट कलर पिकर टूल यहाँ पे डाल के देखता हूं। सो ग्रेडियंट कलर पिकर टूल डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम ये यूआरएल हमें मिल चुका है और हम इसको सेव कर लेते हैं। सो ब्लॉग हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब देखिए कुछ सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। एक तो मोनेटाइजेशन के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो पहला काम आप ये कर लीजिए कि आप अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन ये चार पांच पेज जो है बना के रख लीजिए। यहाँ पे पेज सेगमेंट में आके न्यू पेज पे आपको ये बनाना है, उसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पे वीडियोज मिल जाएंगे। सेकेंड चीज, आपको कोई भी अच्छी थीम ले लेनी है। मैं यहाँ से जो थीम लेने वाला हूँ, चलिए इस थीम को आज लगा के देखते हैं, अप्लाई करते हैं। सो आपको सिंपली उस थीम पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है, थीम आपकी अप्लाई हो जाएगी। नीचे सेटिंग पे आना है आपको, सेटिंग पे आके नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आपको जो है ये मेटा टैग का ऑप्शन जो है इसको एनेबल कर देना है। देखिए अभी ये सर्च डिस्क्रिप्शन काम नहीं कर रहा है, बट जैसे ही आप इसको एनेबल करोगे सर्च डिस्क्रिप्शन काम करने लगेगा। एंड यहाँ पे आप जो है अपने टूल के रिगार्डिंग कंटेंट टाइप कर सकते हो 150 कैरेक्टर तक, यानी कि हमारा जो टूल रहने वाला है वो ग्रेडियंट कलर पिकर टूल रहने वाला है। सो जो लोग इसके रिगार्डिंग जो लिख के सर्च करेंगे वो चीज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ग्रेडियंट कलर पिकर टूल, ग्रेडियंट कलर पिकर फ्री। सो इस टाइप से आपको 150 कैरेक्टर तक जो है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग भी आपको जो है इनेबल कर देनी है। इन दोनों को इनेबल करने के बाद आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइजेशन से पहले गूगल सर्च कंसोल में भी जरूर ऐड करें। अगर आप गूगल सर्च कंसोल में ऐड करते हो अपने ब्लॉग को तो आपको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा। बेसिकली आपके ब्लॉग के ऊपर जो है गूगल से ट्रैफिक आने लग जाएगा, राइट? सिंपल स्टेप्स है। अब यहां पे आना है आपको पोस्ट के ऊपर एंड यहां पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। न्यू पोस्ट पे हमने क्लिक किया, हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। टाइटल आपको अगेन वही रखना है, ग्रेडियंट कलर पिकर। यहां पे लेबल में भी आपको सेम चीज लगा देनी है। लेबल के नीचे आपको एक परमालिंक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक परमालिंक पे सेलेक्ट है। आपको इसको कस्टम परमालिंक करना है एंड यहाँ पे आप देखिए पेस्ट कर देना है आपको रेडियंट कलर पिकर। सो यहाँ पे आपको ये जो स्पेसेज है इनको हटा के ये डेस्क का साइन लगा लेना है। सो अब तक हमारा पूरा काम यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है, अब सिर्फ हमें उस टूल को क्रिएट करना है। तो टाइटल के नीचे ये ऑप्शन आपको मिल रहा है ना, इस पर क्लिक करना है और HTML व्यू को सिलेक्ट रहने देना है। देखिए यहाँ पे जब कंपोज व्यू सिलेक्ट होगा तो आपको पेंसिल का ऑप्शन दिखेगा और HTML व्यू में कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा, तो आपको HTML व्यू पे रखना है अगर आप कोडिंग को यहाँ पे पेस्ट करने वाले हो तो। सो बेसिकली अब हम आ चुके हैं इस वेबसाइट पे जो कि आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आप यहाँ से बहुत सारे टूल बना सकते हो। सो यहाँ पे आप देखिए हम आ चुके हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर एंड यहाँ पे इस टूल को हम बनाने वाले हैं। सो ये 100% फ्री टू डाउनलोड है, 100% रीसेल राइट के साथ ये मिल रहा है और फ्री डाउनलोड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस टूल की पूरी कोडिंग आपके सामने आ जाएगी। सो आप इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करके कॉपी करिएगा एंड यहां पे आके ब्लॉगर के ऊपर इसको पेस्ट कर दीजिएगा। सो हमारी कोडिंग यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। चलिए इसका प्रीव्यू देखते हैं कि ये हमें कैसा शो हो रहा है। सो प्रीव्यू पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ग्रेडियंट कलर पिकर जो है हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ये टूल जो है बन चुका है। अब आप चाहे तो यहाँ पे इस थीम को अगेन चेंज कर सकते हैं। मैं नॉर्मली यहाँ पे इसको पब्लिश कर देता हूं। यहाँ पे आप देखिए कंफर्म पे क्लिक करेंगे और हमने इसको पब्लिश कर दिया है।
अब इसको यूज करके भी मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा देता हूं कि किस टाइप से इसका इंटरफेस यहाँ पे दिखने वाला है। तो व्यू पे आपको क्लिक करना है। व्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वेबसाइट जो है आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट करना है, जो भी कलर आप रखना चाहो अपने ग्रेडियंट के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप जो है ये जो चीजें बताई गई है इनको आप पूरी तरह से चेंज भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको जो है ये बना लेना है। यहाँ पे अगेन आप अगेन कलर सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। आप देखिए, पूरी तरह से ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हो। यहाँ पे देखिए लाइनियर ग्रेडियंट आपके सामने बन चुका है। रैंडम जनरेट पे भी आप क्लिक करोगे तो ये रैंडमली जो है जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है जो बीच में है, और इस चीज के लिए जो है लोग इस पर्टिकुलर टूल को चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे रैंडम जनरेट पे आप क्लिक करके जो है जनरेट कर सकते हो। देख ही पा रहे हो आपके सामने जो है रैंडमली कितने जनरेट हो रहे हैं। आपके वन क्लिक पे आपके लिए जो है ग्रेडियंट कलर बेसिकली जो है बन के तैयार हो रहा है, जनरेट हो रहा है। सो आई थिंक आप सबको समझ में आ चुका होगा कि ये जो टूल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ये पूरी तरह से वर्क करता है, और कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई भी इसको मोबाइल से भी क्रिएट भी कर सकता है। आई होप आप सबने इस टूल को क्रिएट करना सीख लिया है इजीली। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे टूल बना के आपके सामने आपको यूज करके भी बता दिया है कि ये टूल वाकई में जो है काम करता है। सो दोस्तों, वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही और कौन सा टूल आप बनाना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम आपको बताएंगे कि उस टूल को कैसे बनाना है। कैसे भी करके बनाएंगे, फिर चाहे चैट जीपीटी से उसकी कोडिंग क्यों ना करवानी पड़े, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।